लॉकडाउन एक ऐसा वर्ड है जो सुनते ही हम सबको कुछ ना कुछ याद जरूर आ जाएगा। पिछले 2 सालों में क्या हुआ और प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? क्या हम लॉकडाउन के पहले जैसी जिंदगी फिर से जीने लगे हैं? डेटा क्या कहता है? डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोएब है और साथ में अभिषेक। नमस्ते। स्टार्टिंग में मैंने एक बात कही थी कि लॉकडाउन से हम सबको कुछ ना कुछ याद जरूर आएगा। पिछले 2 सालों में किसी के लिए सबसे मुश्किल काम ये रहा कि घर के बर्तन उन्हें धोने पड़े, और किसी के लिए सबसे मुश्किल काम ये रहा कि 500 किलोमीटर अपने परिवार के साथ पैदल चलना पड़ा। किसी के लिए मुश्किल ये थी कि बच्चों के स्कूल बंद थे तो उन्हें दिन भर संभालना पड़ेगा, और किसी के लिए मुश्किल ये थी कि अपने बुजुर्ग जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं उनके लिए ऑक्सीजन कहाँ से लाएं। कोई सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए ग्रॉसरी स्टोर की लाइन में लगा था, तो कोई किसी अपने की चिता को आग देने के लिए लाइन में लगा था। किसी ने नई हॉबीज बनाई और किसी ने अपनों को खोने के बाद जिया कैसे जाए ये सीखा। अंजुम खली के एक शायर हैं, उनके 2 लाइनें हैं कि बीते हुए लम्हात को पहचान में रखना और मुरझाए हुए फूल भी गुलदान में रखना। तो कुछ मुरझाए हुए फूल भी हैं और कुछ आज के गुलदान की हालत भी है। सब कुछ और डिटेल में बताएंगे अभिषेक। जैसे शोएब ने हमने इंट्रोडक्शन में कहा कि आज हम बात करने वाले लॉकडाउन के बारे में। आज अब हम जब ये 26 मार्च को एक रिकॉर्ड कर रहे हैं, लगभग 2 साल पहले 24 मार्च को पूरा एक भारत में लॉकडाउन लगा था कोविड 19 महामारी की वजह से। उससे पहले 22 मार्च को एक जनता कर्फ्यू लगा था। तो ये 2 साल में क्या हुआ है, हमारी लाइफ में कितने चेंजेस आए, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इन 2 साल की 5 बड़ी पिक्चर क्या थी जिसने सबसे ज्यादा हमारे ऊपर एक इम्पैक्ट डाला। उसके बाद हम बात करेंगे कि जब ये लॉकडाउन लगभग खत्म होने वाला है 31 मार्च से, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रिस्ट्रिक्शंस थी सब कोविड-19 को लेके, वो सभी खत्म हो जाएगी, केवल मास्क की रिस्ट्रिक्शन रहेगी, वो सभी रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाएगी, तो क्या लाइफ वापस नॉर्मल पे आ गई है। और लास्ट में भी बात करिए कब तक ये कोविड-19 पेंडेमिक ऑफिशियली कब खत्म होगा, क्या आगे और वेव आ सकती है कि अब एक तरह से खत्म हो गया, वापस बैक टू हम नॉर्मल आ गए हैं। तो इन 3 चीजों पे आज हम आगे बात करने वाले हैं। 24 मार्च का ये दिन हमें सबको याद होगा कि जब ये न्यूज फ्लैश हुई कि प्राइम मिनिस्टर अभी राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं 9 बजे, तो हम सबके मन में एक सवाल था कि क्या होने वाला, क्या अनाउंसमेंट करेंगे। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये अनाउंसमेंट किया कि 21 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा, सब कुछ बंद रहेगा केवल जरूरी जरूरी सेवाओं को छोड़ के, तो हमने कल्पना नहीं की थी कि ये आने वाले 2 साल में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। इसी तरह का सभी घरों में नजारा था, सब अपने टीवी स्क्रीन पर बैठे हुए थे, सबके मन में कुछ ना कुछ शंकाएं थी कि क्या होने वाला है। सबको यही लगा था कि 21 दिन की बात, 21 दिन के बाद लाइफ नॉर्मल हो जाएगी, बट वो अभी तक पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हो पाई है। उसके बाद बात करें कि 5 बड़ी चीजें इन 2 सालों में हमने क्या देखने को मिली है, वो इन 5 पिक्चर के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला, जब लॉकडाउन लगा तो जो माइग्रेंट वर्कर्स थे उनकी सब जिसमें सब कुछ बंद हो गया, कारखाने बंद हो गए, सब उनके एम्प्लॉयमेंट चला गया, तो उनके लिए अपने पास उनके सर्वाइवल का क्वेश्चन आ गया कि जो अपने घरों से हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए, अब हम सर्वाइव कैसे करें, कैसे घर जाए, ना सब बसें बंद है, ट्रेन बंद है, अगर वो जहाँ पे थे, जहाँ पे काम कर रहे थे वहाँ पे रुकेंगे तो उनको खाना कैसे मिलेगा, किराए कैसे देंगे, वो जहाँ पे जो किराए के कमरे में रह रहे थे, किराए की किसी झोपड़ी में रह रहे थे वो, तो किराया कैसे भरेंगे, बच्चों का खाना कैसे खिलाएंगे। तो उन्होंने यही बेहतर समझा कि हम घर ही जाते हैं, हमारे घर पे रहेंगे, कम से कम हमारे ऊपर एक छत रहेगी और खाने का किसी तरह से बंदोबस्त करके हम खुद खा लेंगे, हमारे बच्चों को खिला लेंगे, पर जाए कैसे, बसें बंद है, ट्रेन बसें बंद है, तो सभी ये माइग्रेंट वर्कर्स पैदल ही निकल गए। हमने इमेजेस देखी थी कि हजारों किलोमीटर लोग पैदल गए, किसी को साइकिल मिल गई साइकिल पे चला गया, किसी को कहीं की लिफ्ट मिल गई तो किसी साधन से लिफ्ट ले ली उन्होंने। बाकी इसी तरह से ये जो आपको पिक्चर दिख रही है पहली पिक्चर, अपने बच्चों को लेके, अपने सामान सीट पर रख के हजारों किलोमीटर पैदल चल के लोग अपने अपने घर गए। दूसरी जो एक इन 2 साल में बड़ी बात हुई, जिस तरह से पूरी अर्थव्यवस्था, भारत की नहीं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जिस तरह से गिरी है, ये जो चार्ट है इसमें आपको जो बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी अर्थव्यवस्था है, उनकी जीडीपी दिखा रही है। जब लॉकडाउन लगा था तो फर्स्ट क्वार्टर में हमारी जीडीपी -23.9% से गिर गई थी, यानी हमारी जो टोटल जो इकोनॉमिक साइज था उससे कम हो गई थी।
कई लोगों के एम्प्लॉयमेंट गए, कई लोगों की सैलरी कट हुई, कई बिजनेस बंद हो गए। वो अभी भी क्या नॉर्मल आया, हम आगे आके आने वाले चार्टों में आने वाले स्लाइड में बात करेंगे। तो ये दूसरी बड़ी पिक्चर थी। उसके बाद जब सेकेंड वेव आई पिछले साल अप्रैल मई के महीने में, तो हमने इस तरह की लाइनें देखी थी कि लोग ऑक्सीजन के लिए लाइन लगा के खड़े हुए, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत हो रही है। ये ऑक्सीजन के लिए लंबी लंबी लाइनें देखी हमने, दवाइयों के लिए इंजेक्शन के लिए लंबी लंबी लोगों की लाइनें देखी सब जगह। पूरी पिक्चर थी, चौथी सबसे बड़ी पिक्चर थी। एक ऐसे इम्पैक्ट आ रहा है कि हर किसी के जानने वाले या परिवार में किसी न किसी की सेकेंड वेव के दौरान किसी न किसी की कोविड की मृत्यु हुई है। उस समय का जो नज़ारा था पिछले साल मार्च और अप्रैल और मई का, जहाँ देखो वहाँ पे हर रोज किसी मौत हो रही है, शमशान घाटों में जगह नहीं मिल रही है, आपको किसी को दफनाना है या किसी को शमशान घाट में किसी की अंतिम क्रिया करनी है, उसके लिए लाइनें लग रही थी। जगह कम पड़ गई थी लोगों को दफनाने की, लोगों को जलाने के लिए। गंगा में हमने लोगों की राशें बहते हुए देखी है, इस तरह का एक नज़ारा था। और एक आखिरी जो पॉइंट है वो था बच्चों के एजुकेशन के बारे में। मुझे पर्सनली कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये भी एक काफ़ी बड़ा पॉइंट था, पर इस पर जितनी बात होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पाई है। जब लॉकडाउन लगा, स्कूल बंद हो गए, अब बच्चों को पढ़ाए कैसे, तो ऑनलाइन एजुकेशन का, जूम ऐप का, इसका सहारा लिया गया। इसके लिए कोई भी तैयार नहीं था, ना टीचर्स इतने ट्रेंड थे कि बच्चों को ऑनलाइन कैसे पढ़ाना है वो पढ़ा पाए, ना बच्चों को समझती कि ऑनलाइन कैसे पढ़ते, मोबाइल पे कैसे पढ़ना है उनको उसी जानकारी थी। उससे बड़ा जो सबसे बड़ी बात है, इसने ऑनलाइन एजुकेशन ने एक तरह से देखे तो एक डिवाइड क्रिएट कर दिया। जिसके पास रिसोर्स है, जो स्मार्टफोन अफोर्ड कर सकता है, जो टैबलेट अफोर्ड कर सकता है, या जो लैपटॉप अफोर्ड कर सकता है, वो बच्चा पढ़ पाया। बाकी जो गरीब परिवार का बच्चा था या जो ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा था, जिनके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि बच्चों के लिए स्मार्टफोन खरीद सके या डाटा खरीद सके, वो बच्चे 2 साल नहीं पढ़ पाए। वो तो किसी ना किसी, वो जो उसे जो रिसोर्सफुल बच्चे थे उनसे कहीं ना कहीं पीछे रह गए। यहाँ पे एक बात मैं क्विकली ऐड करूँ कि हो सकता है हम में से किसी को, इन सब में से जो 5 बड़ी पिक्चर हैं उनमें से कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस करने का मौका ना मिला हो, और हमें लगा हो कि ठीक है 2 साल जैसे तैसे निकल गए, लॉकडाउन था, हमको कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। लेकिन इनके स्टैटिस्टिक्स जो हैं अगर हम सर्च करें तो वो बहुत ही डरावने स्टैटिस्टिक्स हैं। और रिसेंटली में CNN की वेबसाइट ने पब्लिश किया था अराउंड एजुकेशन, जो अभिषेक पॉइंट पे बात कर रहे थे इसलिए मैं उस पर ऐड करना चाहूँगा। उसमें उन्होंने एक सर्वे किया जिसमें उन्होंने पाया कि नॉट जस्ट स्मार्टफोन लेकिन डेटा की अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और गरीब फैमिलीज डेटा अफोर्ड कर पा रही हैं या नहीं ताकि उनके बच्चे अटेंड कर पाएँ क्लास, वो भी एक क्वेश्चन था। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देख ही रहे हैं कि GDP श्रिंक हो रहा है, लोगों की नौकरियाँ जा रही हैं, लोगों की सैलरी कट्स हो रही हैं, तो ये एक डुअल इम्पैक्ट था। और 8% ऐसे लोग उन्हें मिले रूरल एरियाज में जिन्होंने कहा कि हाँ हमारे बच्चों ने एजुकेशन ली ऑनलाइन इवन आफ्टर स्कूल्स वेयर शट। और 24% ऐसे लोग थे अर्बन एरियाज में इंडिया में जिन्होंने कहा कि हमारे बच्चों ने एजुकेशन ली इवन ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो 8% और 24%, हो सकता है आपके आसपास आपने जितने भी लोगों से बात करी हो आपको 100% मिल रहा हो वो नंबर, लेकिन एक ग्राउंड रियलिटी भी होती है, एक अपने सोशल सर्कल और अपने इन्फ्लुएंस सर्कल के बाहर की भी बात होती है जहां पे हो सकता है हम पहुंच नहीं पाते हो, लेकिन इस तरह के सर्वे हमको वो डेटा दिखा पाते हैं। अभिषेक आप कंटिन्यू करें। इसी में मैं जो एजुकेशन के बारे में बात कर रहे थे उसमें पॉइंट ऐड करना चाहता हूं कि ऐसे कई बच्चे जिनकी पढ़ाई छूट गई है, जो 2 साल पहले स्कूल जाते थे, बट अब स्कूल जब ओपन भी हो गए, फिजिकली स्कूल जब ओपन हो गए, बच्चे अब स्कूल जाने लगे, पर वो स्कूल लौट के नहीं आए क्योंकि हमेशा के लिए पढ़ाई छूट चुकी है। ऐसे खासतौर पर लड़कियां हैं जिनकी पढ़ाई छूट गई है, जिनके घर वालों ने शादियां करवा दी, अब तो स्कूल बंद है, अब तो पढ़ना नहीं, आगे तो इनकी शादी करा दो। कई ऐसे लड़के हैं कि अब तो स्कूल बंद है, अब घर में बैठे बैठे क्या करोगे, आप काम पे चले जाओ, तो वो काम पे चला गया, अब काम से वापस स्कूल नहीं आए। तो ऐसे कई हजारों लाखों ऐसे बच्चे है जो वापस स्कूल लौट के नहीं आए हैं। इवन जो रिसोर्सफुल बच्चे थे, जिनके पास सब कुछ रिसोर्स थे, जिनके पास डेटा था, जिनके पास टैबलेट थे, जिनके पास लैपटॉप थे, जिन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन ली भी है, कोई क्लासेस अटेंड की है, बट जब वो स्कूल लौट के आ रहे हैं
ये पता पड़ रहा है कि वो कितने पीछे रह गए हो, भले इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की है, बट अब वो दो साल बाद जब स्कूल आ रहे हैं तो स्कूल के माहौल में उनको अपने आप को ढालने में काफी मुश्किल हो रही है। उनके जो बेसिक्स थे वो काफी उनके वीक हो गए, क्योंकि आप ऑनलाइन एजुकेशन की जो भी जिस तरह से ऑनलाइन क्लासेस लगी, बट बच्चे का वैल्यूएशन नहीं हो पाया, असेसमेंट नहीं हो पाया, वो क्लास प्रमोट होते गए, बट अब जब बच्चा लौट के स्कूल आ रहा है तो पता पड़ा कि बच्चा कितना पीछे चला गया है। कई स्कूलों में भी देखने को मिल रहा है, कई स्कूलों ने भी ब्रिज कोर्सेज स्टार्ट किए कि बैक टू स्कूल कोर्सेज, कि वो बच्चों को एक महीने ये सिखाएगी कि आप जब दो साल घर पे बैठे थे आप स्कूल में आ रहे हैं तो आपको स्कूल में कैसे बिहेव करना है, जो आपकी पढ़ाई का नुकसान हुआ, जो आपके बेसिक्स जो कमजोर हो गए उन बेसिक्स पे कैसे काम करना है। तो कई स्कूल ऐसे देखने को मिल रहा है कि जो एक महीने के डेढ़ महीने के कोर्सेज चला रहे हैं जिनको नाम दिया जा रहा है बैक टू स्कूल कोर्सेज, तो ये काफ़ी नुकसान हुए। ये पांच बड़ी पिक्चर थी पिछले दो सालों में जो हमें देखने को मिली है। अब जब जैसे मैंने कहा कि 31 मार्च से ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सारी रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाएगी, तो क्या लाइफ सही में नॉर्मल पे आ गई है, ये हम कुछ ग्राफ से समझते हैं। जो पहला चार्ट बता रहा है ये पॉलिसी स्ट्रिंग ने स्कोर बता रहा है। बेसिकली ये होता क्या है, ये COVID-19 के बाद ही ये पिछले दो साल में ये एक इंडेक्स चालू हुआ। इसमें ये मेजर किया जाता है अलग अलग 9 पैरामीटर पे कि उस किसी कंट्री की गवर्नमेंट ने कितना स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन लगा रखी हर चीज़ों पे, स्कूल कितने कंट्री में बंद है, मार्केट किस कंट्री में बंद है। तो इसमें जो आपको ये जो ब्लू ग्राफ दिख रहा है बार ग्राफ, ये इंडिया का स्कोर दिखा रहा है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडिया में ही सबसे जो लॉकडाउन लगा था पूरी दुनिया से ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। आप देखें जून 2020 का जो ग्राफ है सबसे ज़्यादा इंडिया का इंडेक्स, इंडिया का जो बार ग्राफ ये वाला, ये सबसे हाई है, यानी हमारे साथ स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा था। ये ग्राफ नीचे आया है, ये मार्च 2022 का तक काफ़ी रिस्ट्रिक्शन हो गई, गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी छूट मिल गई है, बट अगर आप देखें कि एवरेज जो बाकी दुनिया दूसरी कंट्री में जितनी रिस्ट्रिक्शन है अभी भी उससे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन इंडिया में अभी भी किसी न किसी तरह से ऑफिशियली है, भले ही उसका इम्प्लीमेंटेशन या उसको लोग फॉलो नहीं कर रहे हो, बट ऑफिशियली कई रिस्ट्रिक्शन अभी भी है दुनिया ज़्यादा एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। ये जो सेकेंड चार्ट है ये बता रहा है कि नॉन एसेंशियल प्लेसेस पे लोगों की मूवमेंट कितनी है। बेसिकली इसमें जो चार जगहों की बात की गई है, रिटेल्स एंड रिक्रिएशन सेंटर्स की बात की गई है, पार्क्स की बात की गई है, ट्रांजिट स्टेशन की बात की गई है, वर्क प्लेसेस की बात की गई है। तो ये बता रहा है कि अगर पहले किसी जगह पर लोग 100 लोग जाते थे तो और अब कितने लोग जा रहे हैं। इसमें भी देखें तो अब ये देखने को आ रहा है कि पहले अगर किसी जगह पे सपोज किसी शॉपिंग मॉल पे फेब 21 में अगर हर हफ्ते 100 लोग जाते थे तो वो संख्या बढ़ गई है, यानी लोगों का जो ट्रांजिट है, जो लोगों की मोबिलिटी है वो अब काफ़ी बढ़ चुकी है, और वो जो दो साल पहले का जो लेबर था उससे भी ज़्यादा चला गई है। और ये जो डाटा लिया गया है ये गूगल के द्वारा लिया, गूगल इसका जो सोर्स था वो गूगल था। आप सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है उसका GPS ऑन रहता है, तो GPS के थ्रू गूगल हमेशा आपको ट्रैक करता रहता है कि आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो उस ट्रैकिंग के बेसिस पे पूरा डेटा निकाला गया है कि लोग कहाँ कहाँ गए, मार्च फरवरी में एक किसी प्लेस पे लोग कितने जाते थे और अब कितने जाते हैं दो साल में, उस बेसिस पे ये निकाला गया। उससे देखने को मिला है कि अब लोगों की मूवमेंट काफ़ी बढ़ गई है, ये दो साल से भी ज़्यादा हो गई है जो दो साल पहले का जो लेवल था। ये जो तीसरा को चार्ट दिख रहा है ये बात कर रहा है कि लोगों के एम्प्लॉयमेंट के बारे में, लोगों के काम काज के बारे में। तीसरा चार्ट बता रहा है, ये नोमिटा का एक इंडेक्स है, बिजनेस रिजम्पशन इंडेक्स। ये भी ये बताता है बेसिकली कि जो बिजनेस एक्टिविटी कोविड के पहले थी अब कितनी हो गई है। अगर सपोज कीजिए कोई बिजनेस एक्टिविटी कोविड के पहले अगर 100 पे थी तो अब कितनी है, तो ये इस पर देखने को मिलता है कि बिजनेस एक्टिविटी भी काफ़ी बढ़ गई है। बिजनेस एक्टिविटी का अगर लेवल पहले 100 था अब वो 126 पहुंच चुका है, तो बिजनेस एक्टिविटी भी बढ़ी है। चौथा जो ये जो चार्ट है ये RBI का इंडेक्स है, RBI का सेंटीमेंट इंडेक्स है करंट एंड फ्यूचर सेंटीमेंट्स पे। लोगों से डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे लोगों के एक पर्सपेक्टिव लिया जाता है। इसमें रहता है कि आपका एम्प्लॉयमेंट के बारे में आपका क्या सोचना है, आगे के आपके फ्यूचर ग्रोथ के बारे में आपके क्या सोचना है, आपकी सैलरी इंक्रीज के बारे में आपका क्या सोचना है, आप कितना खर्च कर रहे हैं, आपकी इनकम कितनी है, उस पर लोगों का परसेप्शन कितना है। इसमें ये देखने को मिला है कि पिछले 10 सालों में अभी भी काफ़ी लो लेवल पे परसेप्शन, कहीं ना कहीं लोगों के मन में अभी भी एक नेगेटिविटी है कि आगे क्या होगा, इसका हो सकता है कि इसका डेफिनेटली इसका
केवल COVID-19 से रिलेटेड रीजन नहीं है, पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से वर्ल्ड की इकोनॉमी चेंज हुई है, जिस तरह की एक सिचुएशन बनी है, तो लोगों में अभी भी अपने फ्यूचर को लेके एक सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव नहीं है, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी अभी भी लोगों के दिमाग में है कि वो एक उनके मन में एक क्लियर व्यू नहीं है कि उनके आगे जाके क्या उनके एम्प्लॉयमेंट बना रहेगा, क्या उनको उनकी सैलरी इंक्रीज होगी, क्या बिजनेस एक्टिविटी बढ़ेगी, या वो ज़्यादा खर्च करेंगे, या उनकी बचत ज़्यादा होगी। तो इसको लेके एक ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है कि अभी भी लोगों के सेंटिमेंट्स काफ़ी वीक है। और अगर फरवरी 2020 से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट हाफ है, दिसंबर 2020 का डेटा है, दिसंबर 2010 का डेटा है, दिसंबर 2010 का डेटा है। अब लास्ट में सबसे आखिरी में से यही क्वेश्चन है सबके दिमाग में कि क्या ये पेंडेमिक खत्म हो गया, क्या महामारी खत्म हो गई है? इसका आंसर है कि नहीं, ये महामारी खत्म नहीं हुई है। हमने फर्स्ट वेव देखी, सेकेंड वेव देखी, थर्ड वेव इतनी खतरनाक नहीं थी जितनी कि फर्स्ट और सेकेंड वेव थी, वो जल्दी जिस तेजी से आई उस तेजी से निकल गई, बट अभी भी गारंटी नहीं कि फोर्थ वेव नहीं आएगी, और उसका क्या इंटेंसिटी रहेगी, किस तरह की रहेगी, क्या वो थर्ड वेव जैसी रहेगी, थर्ड वेव से और वीक रहेगी, या सेकेंड वेव जैसी रहेगी, या सेकेंड वेव से ज़्यादा स्ट्रांग होगी, ये किसी को नहीं पता है। तो ये महामारी भी खत्म नहीं हुई है, अभी हमारे देश में केसेस कम आ रहे हैं, अभी ठीक है, बट आगे क्या होगा अभी आगे नहीं पता है। ये भी कहना जल्दबाजी होगी कि महामारी खत्म हो गई है, अभी आने वाले कुछ महीने हमें देखना होगा कि किस तरह से कोविड ये कोरोना वायरस बिहेव करता है, किस तरह से म्यूटेशन होते हैं, जो वैक्सीन लग रही है वो कितना इफेक्टिव है लोगों पे, तो ये सब देखना होगा। अभी एक टाइम है, ये जल्दी बाजी होगी कहना कि कोरोना खत्म हो गया है। जो अभिषेक ने बात की कि कोविड क्या खत्म हो गया है, उसी पे मैं ऐड करना चाहूंगा कि बहुत से ऐसे एज ग्रुप्स हैं, स्पेशली यंग चिल्ड्रन जो हैं, उनको अभी तक वैक्सीन लगी नहीं है, और बहुत से ऐसे एज ग्रुप्स जिनको रिसेंटली वैक्सीन लगना स्टार्ट हुई, उनको भी सेकेंड डोज लगानी है। तो एक इम्यूनिटी इन टर्म्स ऑफ इम्यूनिटी जो वैक्सीन से आती है, वो बहुत एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को अभी नहीं मिली है, और फिर बूस्टर डोज तो अपनी जगह है ही, जो लग रहे हैं लोग लगवा रहे हैं नहीं लगवा रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन उनको क्या लगता है, उनका क्या आउटलुक है व्हेन इट कम्स टू कोविड गया है या अभी भी है। कुछ लोग अभी भी मास्क लगाते हैं, कुछ लोग मास्क अवॉइड करते हैं, जैसा भी जो भी जिसकी भी जो भी थॉट प्रोसेस है कोविड को लेकर वो है। लेकिन जैसा अभिषेक ने कहा कि ये हर जगह से गया नहीं है, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया, चाइना की कुछ कंट्रीज की जो खबरें आ रही हैं, वैसे हो सकता है वहाँ पर ओमिक्रॉन वेरिएंट जो पहले नहीं आया था वो अब आया हो, इसलिए वहाँ पर नंबर्स बढ़ रहे हैं। लेकिन एक वर्ल्ड न्यूज़ पर थोड़ा नज़र रखना चाहिए व्हेन इट कम्स टू कोविड की क्या न्यूज़ चल रही है, और होपफुली आगे भी जो यंगर एज ग्रुप्स हैं उनके लिए भी वैक्सीन जल्दी से जल्द आएगी, ताकि सब लोगों में एक इम्यूनिटी बढ़े और सब लोग वैक्सीन भी लगवा पाए। बूस्टर डोज के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आई एम प्रीटी श्योर आप चाहें तो लगवा सकते हैं, और आपको लगवाना चाहिए। अभिषेक, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, बस यही है कि वैक्सीन लगवाइए। होता क्या है कि जब हमारे यहाँ जब केसेस बढ़ते हैं, जब कोई वेव आती है, तब ये देखने को मिला है कि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन भी काफी एक्टिव जाता है, लोग भी डर जाते हैं वैक्सीन को लेके। अभी देखिए केसेस नहीं आ रहे, तो आप डेली नंबर देखिए वैक्सीन का, काफी नीचे जा चुका है, लोग बूस्टर डोज नहीं लगवा रहे हैं, जो बच्चों को वैक्सीन लग रही है जिनको एक डोज भी नहीं लगा, बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए भी लोग काफी लापरवाह है, टाइम पे वैक्सीन नहीं लगा रहे लोग। तो ये जो जिस तरह से हम एक तरह से अगर हमारी बात करें या गवर्नमेंट की बात करें या प्रशासन की बात करें, जब केसेस बढ़ते हो जिस तरह से वो एक रिएक्ट करते हैं लोगों को जल्दी जल्दी वैक्सीन लगाओ, तो वही अप्रोच अभी भी रहना चाहिए। अगर हम अभी जल्दी वैक्सीन लगा लेंगे, अगर आप बूस्टर डोज लगा लेंगे, या जो बच्चों को हम जल्दी कवर कर लेंगे, जो 12 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीन लग रही है, तो अगर कोई नया वेरिएंट आता है तो हम एक तरह से काफी हद तक उससे प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो बेसिकली बॉटम लाइन यही है कि जब प्यास लगे तब कुआं मत खोदिए, आप अभी से काम पे लग जाइए, और वैक्सीन चूंकि अवेलेबल हैं तो उन्हें जरूर लगवाइए। इस बार के कॉन कॉल में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक लेट टेक केयर।